फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी की फेमस एक डिश है जिसका नाम है निमोना, हरे मटर का निमोना, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और यूपी में मोस्टली सर्दियों के दिनों में इसे ही खाया जाता है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। और आज का ये वीडियो मेरा अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर हम निमोना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो निमोना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम फ्रेश मटर लिया हुआ है, हरा मटर, मीठा मटर है। उसके साथ मैंने दो आलू छील के ऐसे कट कर लिए हैं लंबे लंबे, और दो मैंने टमाटर लिया है, इसे मैंने कट कर लिया है। और इसके साथ मैं थोड़ा धनिया पत्ता, और मैंने यहाँ पे थोड़ा लहसुन लिया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और ग्रीन चिली मैंने 4 हरी मिर्च, उसके साथ मैंने थोड़ा जीरा, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने घर में बनाया हुआ गरम मसाला यूज कर रही हूँ। और कुकिंग के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो पहले हम इस मटर को थोड़ा निकाल लेते हैं, उसके बाद इतना मटर हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सारा मटर इसको एक जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है, पूरा चिकना पेस्ट नहीं बनाना इसका। तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा मटर जो मैंने बचाया था वो मैं सब्जी बनाने के टाइम पे यूज करूँगी, जैसे थोड़ा खड़ा मटर भी रहे। देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही पीस लेना था मटर को। तो इसे हम अब हम एक दूसरे जार में ये जो मैंने मसाले लिए हुए हैं, अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली, धनिया पत्ता और टमाटर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा डाल सकते हैं, मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मैं तोड़ के ऐसे डाल दे रही हूँ, और फिर मैं धनिया का पत्ती इसमें डाल के और फिर टमाटर डाल के इसको मैं ग्राइंड कर दे रही हूँ। इसका एक पेस्ट बनाना है। देखिए इस तरह से इसका मसाला हम पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली हुई है, मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। हम मोटी परत वाली कढ़ाई लेते हैं ताकि हम जब भुने मटर को तो वो नीचे से जल्दी चिपके ना, जले ना। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, आपको कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, मैं सरसों का तेल, इससे निमोना का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने जो सबसे पहले आलू लिया है उसे मैं अच्छे से फ्राई करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ, पूरा अच्छे से हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। देखिए देखिए आलू पकने लगा है, ब्राउन होना स्टार्ट कर दिया है। इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक धीमे आंच पे और हम इसे पका लेते हैं। ये देखिए आलू पूरा हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में इस आलू को निकाल लेते हैं। पूरा आलू हम निकाल लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे बॉइल आलू भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें जो मैंने तेल बचा है कढ़ाई में, उसी में हम जो ग्राइंड किया हुआ मटर है उसे डाल देते हैं भुनने के लिए।
देखिए हमने मटर डाल दिया है, इसे अच्छे से हम 4 से 5 मिनट तक पूरा, जब तक इसका पानी पूरा सूख ना जाए मटर का, तब तक हम इसे अच्छे से भूनते हैं। और भूनने के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ग्रीन मटर कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हमारे शरीर में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं वो घटाता है। अगर आप डेली मटर एक एक मुट्ठी खाएंगे तो बिना वर्कआउट या सब ये सब यूज ना करके, इससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। बहुत ही फायदा करता है हमारे शरीर को, हार्ट को। इसे हम ऐसे ही अच्छे से चला लेते हैं। देखिए इसका पानी भी अच्छे से रोस्ट होने लगा है, ऑब्जॉर्ब होने लगा है, रोस्ट होके पूरा ड्राई होने लगा है ये मटर। ये निमोना मीठे मटर का ही बनता है, आप मटर को चेक करके बना सकते हैं, जो मटर मीठे होंगे उसी का, नहीं तो कुछ कुछ मटर सूखने पे सूखे मटर जैसे लगते हैं, जैसे सूखा मटर खा रहे हैं वैसे ही, तो उसका निमोना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारा मटर भी भून के रेडी हो गया है, देखिए पूरा भून गया है, अच्छे से अलग अलग होने लगा है ये दाने दाने जैसे। तो इसे देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। पूरा हम निकाल लेते हैं। तो उसी पैन में हम सरसों का तेल डालते हैं थोड़ा, ये तेल भी गर्म हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा जीरा डालते हैं। उसके बाद हम जो मैंने मटर बचाया था मैं वो डाल रही हूँ, ये मटर बहुत ही जल्दी फूटने लगते हैं। तो उसके बाद मैंने जो मसाला पिसा हुआ था वो डाल देती हूँ इसे भूनने के लिए, ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए मसाला भी बॉईल होने लगा है, उसमें उबाल आ गया है। देखिए मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं या फिर ग्राइंड करके, मैंने ग्राइंड किया है। देखिए मसाला हो गया है हमारा रेडी। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, जिसको मैंने घर में बनाया है। सारे खड़े मसाले मैंने पीस के, मार्केट का गरम मसाला मैं यूज नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। इसके बाद हम इसमें ये मटर और आलू मैंने जो भून के रखे थे उसको हम डाल देती हूँ, और मसाले में अच्छे से मिक्स करके हम कंटिन्यू चलाएंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर इनमें आ जाए। ये पूरी तरह से देसी तरीके से बनाया गया है,
और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आई होप आपको अच्छा लगे। देखिए, फिर इसमें मैं एक बड़ा कप में एक कप पानी डाल रही हूँ। मैंने जो मसाले मैंने ग्राइंड किया था जार में, मैंने वही पानी धो के इसमें डाला है। देखिए ये गरम होने लगा है, इसमें उबाल आना भी अभी स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने हिसाब से डालिए। देखिए इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। उबाल आने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट तक और पकाना है ताकि मसाले और मटर आलू अच्छे से बॉईल हो जाए और सारे फ्लेवर्स इक्वली हो जाए। लोहे की कढ़ाई में बनाने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसीलिए मैं लोहे की कढ़ाई यूज कर रही हूँ और मोटे परत की। देखिए अच्छे से बॉईल होने लगा है। इसे हमें थोड़े थोड़े देर में चलाते रहना है ताकि नीचे बैठे ना तले में जाके। इसे हमें 1.5 से 2 मिनट तक और पकाना है। देखिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा निमोना बन के रेडी हो गया है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगे। अगर आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।